हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 09 का लेसन 9 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे युद्ध अवधि के दौरान राष्ट्रवादी राजनीति के बारे में। 1914 से लेकर 1917 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौर में हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे, भारत पूरा ब्रिटिश सरकार का गुलाम था। उस गुलामी के दौर में भारत के अंदर में कई सारी विचारधाराएं विकसित हुई। उन्हीं विचारधाराओं में से सबसे प्रमुख विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा था, जिसका प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता की मांग करना, स्वशासन की मांग करना, इस तरह की चीजें थी। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, तो उस युद्ध के दौरान में राष्ट्रवादी राजनीति किस प्रकार से विकसित हुई, किस तरह से वो आगे बढ़ा, इसके बारे में यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर नंबर 9 को हम टोटल 3 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देखें, जहां पर हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि भारत के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, प्रथम विश्व युद्ध का क्या इम्पैक्ट पड़ा। सेकंड पार्ट के अंदर में हमने डिस्कस किया कि होम रूल लीग आंदोलन जो था किस तरह से विकसित हुआ, कैसे चला, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और आज के इस वीडियो के अंदर में हम थर्ड पार्ट को कवर करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे लखनऊ समझौते और उसके महत्व के बारे में। अगर आप नहीं जानते लखनऊ समझौते के बारे में, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिटेल में समझते हैं। देखो, जो लखनऊ समझौता था ना, उससे पहले भी काफी सारी चीजें भारत के अंदर में अलग अलग परिस्थितियां, राजनीतिक घटनाएं घट रही थी। सबसे प्रमुख आता है कांग्रेस का विभाजन। जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी ना, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, राष्ट्रवादी विचारधारा होता क्या है सबसे पहले उसको भी समझना जरूरी है आपके लिए। राष्ट्रवादी विचारधारा मतलब अपने राष्ट्र को प्रमुखता देना, राष्ट्र को सर्वोपरि रखना, सबसे ऊंचा रखना, ये माना जाता है। ठीक है, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है ना, राष्ट्र प्रति जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, भारत के लिए प्रेम है, उसको हम राष्ट्रवादी भावना कहते हैं। ये हर कंट्री, हर देश, चाहे इंग्लिश बोलता हो, हिंदी बोलता हो, उर्दू बोलता हो, पंजाबी बोलता हो, किसी भी तरह का हो, किसी भी धर्म का हो, वहां पे जो देश के प्रति जो प्रेम होता है ना, राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, उसको हम राष्ट्रवादी बोलते हैं। तो राष्ट्रवादी के अंदर में आपस में फूट आ गया, जिसके कारण से क्या होता है, कांग्रेस के अंदर में विभाजन होता है 1907 में। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो जाता है। इसका सबसे एक प्रमुख कारण देखोगे ना, तो जैसे 1906 के अंदर में बंगाल का विभाजन होता है, 1906-1907 के अंदर में बंगाल का विभाजन भी किया जाता है, जिसे बंग भंग के नाम से हम जानते हैं। तो बंग भंग के विभाजन के साथ ही में क्या होता है, एक मुस्लिम लीग का उदय हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण भी मुस्लिम लीग का उदय या फिर कांग्रेस का विभाजन, एक ही बात यहाँ पे मान के चल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ वहीं से मुस्लिम लीग का उदय हम देख पाते हैं। आपसी फूट के कारण से क्या हुआ, उनके जो उद्देश्य थे, जो देश का उद्देश्य था, मेन मोटिव था कि भैया देश की स्वतंत्रता मिलना चाहिए, देश को स्वशासन प्राप्त होना चाहिए, उसको हानि होने लगा, उसको नुकसान पहुंचने लगा। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एकजुट होने का निर्णय लिया, वापस इकट्ठा होने का तय किया जाता है। देश में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावना और राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा को पूरा करने के लिए 1916 में दो घटनाएं घटित होती है। देखो, पहले तो मैंने बैकग्राउंड बताया आपको कि किस तरीके से घटती चली गई, जिसके कारण से लखनऊ समझौता होने की परिस्थिति बनती है। तो 1916 के अंदर में दो घटनाएं घटती हैं। दो घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? तो पहली घटना रहती है कि लगभग 9 वर्ष बाद कांग्रेस के दो गुट, नरमपंथी दल और गर्मपंथी दल के अंदर में एकता स्थापित हो जाती है। अब देखो, कांग्रेस के अंदर में जो फूट होता है ना, फूट डलना, फूट का कारण होना, इसके 2-3 रीजन आते हैं। सबसे पहला रीजन ये रहता है कि कांग्रेस के अंदर में दो धड़ में बट गया था, जो विचारधारा थी ना, राष्ट्रवादी विचारधारा, वो दो धड़ में बटी हुई थी। एक विचारधारा था नरम दल का, ठीक है, नरम दल का एक विचारधारा था। नरम दल वाले में क्या था, वो शांति प्रिय लोग थे, वो अहिंसा की बात नहीं करते थे, वो मांगने की बात करते थे, भिक्षावृत्ति के लोग थे, जो बोलते थे कि हमें अंग्रेज दे दे, वो प्लीज यार दे दो, ऐसा वाला चीजें चलती थी। तो मतलब भिक्षावृत्ति का लोग यहाँ पे, उनकी विचारधारा एक प्रकृति ऐसा नहीं थी, वो भारत की हित के लिए नहीं सोच रहे थे। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे, नरम जो गर्म दल वाले थे, गर्म दल वालों का मानना था कि जो नरम दल है वो भिक्षावृत्ति है, वो भीख मांगने की बात कर रहे, दे दो, आप अपना अधिकार मांग रहे हो, अपने देश के ऊपर में अधिकार मांग रहे हो, तो उसमें भिक्षावृत्ति वाला कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो कांग्रेस ये दो अलग अलग विचारधारों में बट चुका था, दोनों राष्ट्रवादी विचारधारा थी, पर दोनों का जो काम करने का प्रोस्पेक्टिव था, काम करने का जो तरीका था, वो बहुत अलग था। नरम दल का था शांति प्रिय, शांति से करना, ठीक है, अहिंसा के रास्ते पे चल के करना, जबकि गर्म दल का करना था एग्रेसिव तरीके से, उसको आप मांगो, उसके ऊपर दबाव बनाओ, ठीक है, क्रांतिकारी योजनाएं लाओ, उसके तरीके से आप आगे बढ़ो, ठीक है, उनके ऊपर प्रॉपर प्रेशर बनाकर हम उसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से गर्म दल नरम दल बना हुआ था। और इसी के बीच में से एक आता है मुस्लिम लीग, जिसको हम बोलते हैं मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग का यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो जैसे ही बंग भंग होता है ना, तो जो मुस्लिम मेजोरिटी होती है, जहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे बढ़ता चला जाता है कि किस तरीके से मुस्लिम लोगों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, बाकी सारी चीजें आती है मुस्लिम लीग के आगे, हम यहाँ पे कभी और बात करेंगे किसी और वीडियो के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आता है, तो दो गुट में कांग्रेस बढ़ जाता है, गर्म दल और नरम दल के अंदर में बढ़ जाता है।
1916 के अंदर में दोनों के अंदर में एकता स्थापित करने का कार्य किया जाता है। इस एकता के लिए स्वयं तिलक सबसे महत्वपूर्ण पलक करते हैं, जो तिलक होते हैं बाल गंगाधर तिलक, उनके द्वारा सबसे पहले पहल की जाती है कि हमें एकता स्थापित करनी है। इस फूट का कारण होता है कांग्रेस के अंदर में निष्क्रियता बढ़ जाती है, जो ये फूट पड़ता है ना, फूट के कारण से जो कांग्रेस होता है वो डीएक्टिव एक तरह से हो जाता है, लोगों के बीच में उसकी लोकप्रियता भी खत्म होती चली जाती है, डीएक्टिव पड़ जाता है। 1914 में बाल गंगाधर तिलक जैसे जो 6 वर्ष के लंबे कारावास से मुक्त होते हैं 1914 के अंदर में, उसके बाद क्या होता है वो सभी देश के अंदर में आगे बढ़ते हैं और देश को मुक्त करवाने की दिशा में उसको आगे लेकर चलते हैं कि ये उद्देश्य हमारे देश का है, इसको हम साथ में मिलकर आगे जा सकते हैं। नरमपंथियों को राजी करने के लिए उन्होंने घोषणा करी, वो बोलते हैं अपने घोषणा के अंदर में कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यह बात कह दूं कि जैसे कि आयरलैंड में आयरिश होम रूल की मांग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि जैसे आयरलैंड है ना, आयरलैंड के अंदर में आयरिश होम रूल मांगा जा रहा है, उसी तरह से भारत के अंदर में इंडियन होम रूल की जरूरत है, इंडियन होम रूल दीजिए हमें कि हम अपने तरीके से शासन आपका हो। वो यहाँ पे कहता है कि हम सरकार को उखाड़ने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि भैया देखो हम शासन प्रणाली में सुधार का प्रयास कर रहे हैं, जो आपका शासन करने का तरीका है ना, हमें गुलामी की तरह रख रखे हो, गुलाम की तरह रख रखे हो, उसमें चेंज करने की जरूरत है, ना कि सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। ये यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का कहना था। अगर ऐसा हो जाता ना तो ये कह सकते तो कि आज भी जो हमारे ऊपर सुपीरियर बैठे होते ना वो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग होते, ब्रिटिश सरकार के लोग होते, ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलता अगर ये चीजें एक्सेप्ट कर ली जाती तो जो चीज होता अच्छे के लिए ही होता है। तो यहाँ पे जो बाल गंगाधर तिलक थे एक एग्जांपल देते हैं अपनी घोषणा के अंदर में कि भैया जो आयरलैंड है, आयरलैंड के अंदर में आयरिश होम रूल है, तो उसी तरह से भारत के अंदर में भी होम रूल किया जाना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे 1914 के बाद क्या होता है, 1915-1916 के अंदर में होम रूल लीग आंदोलन का स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पे होम रूल की मांग की जाती है पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, वो असफल हो जाता है। पर उसके भी कुछ अच्छे इम्पैक्ट होते हैं जो हमने दूसरे पार्ट के अंदर में बताया था, मैंने वहाँ पे आपको कवर कर चुके हो। यहाँ पे होता है कि तिलक ने देश में हो रही हिंसात्मक घटनाओं के प्रति दुख जताया, जैसे अब ना जैसे जैसे राष्ट्रवादी भावना बढ़ती है तो देश के अंदर में कहीं ना कहीं हिंसात्मक घटनाएं बढ़ती चली जाती है, तो तिलक के द्वारा उसके लिए खेद प्रकट किया जाता है कि यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो देश को इंपॉर्टेंस देकर चलना चाहिए, ना कि इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए। उन्होंने वो आगे कहते हैं कि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश के विभिन्न भागों में हिंसा के जो कार्य किए जा रहे हैं वे ना केवल अरुचिकर है, ठीक है, पसंद लायक नहीं है, अपितु मेरे राय में उन्हें दुर्भाग्य से हमारी राजनीति के प्रगति के भागे सीमा धीमा कर रहे हैं, ठीक है, जो मतलब राजनीति की जो हमारी प्रगति है ना, जो तेजी से विकास हम कर रहे हैं ना, जो हमारा मोर्चा है उसको हम जो तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं उसकी स्पीड भी धीमी कर रहे हैं, ये उनका कहना था। जो अहिंसक कार्य हो रहे थे, उस तरह की चीजें हो रही थी, ये उनका मानना था। इसके जो इनके जो स्टेटमेंट थे ना, ये कहीं ना कहीं जो नरम दल के लोग थे वो बहुत ज्यादा इनसे इंप्रेस हुए कि हाँ ये चीजें हैं, पर जो इनकी एक्टिविटी थी उनसे कहीं ना कहीं गर्म दल के भी लोग इंप्रेस हो रहे थे। तो एक समय ऐसा आ चुका था कि जहां पे नरम दल गर्म दल दोनों एक साथ एक जगह पे कार्य करते हुए दिख जाते थे। 1907 के बाद 1916 के अंदर में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस सारी एकता प्रथम अधिवेशन था, ठीक है, कांग्रेस की सारी एकता लगाई गई वहां पे प्रथम अधिवेशन के तौर पे उसका स्टार्ट किया गया। यहाँ पे दूसरा जो महत्वपूर्ण घटना होता है जिसमें हम बात करते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता। यहाँ पे देखो मुस्लिम लीग का उदय हो चुका था, ठीक है, इस समझौते के अंदर में कार्यवित करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और लोग मान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई, और दोनों जो पार्टी थी मुस्लिम लीग हो गई या कांग्रेस हो गया, दोनों एक मंच पे आती है जहां पर अपने भेदभाव को बुलाकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष में समान राजनीतिक मांग रखने का निर्णय करती है कि हमें ये चीज चाहिए, हमारे देश को ये चाहिए, बाकी जो भी चीजें ना हम आपस में सुलट लेंगे, तो हमें ये दे, ये चीजें देखने के लिए मिलती है। और ये लखनऊ अधिवेशन के अंदर में ही देखा जाता है, जो लखनऊ समझौता हुआ इसी के अंदर में देखा जाता है। इस समझौते को जो इतिहास के अंदर में लखनऊ समझौता के तौर पर जाना जाता है, ठीक है, लखनऊ समझौता, लखनऊ आंदोलन या लखनऊ जो है मूवमेंट के तौर पर हम इसको देखते हैं, ठीक है, समझ में आता है। आगे मैं बात करूं मुस्लिम लीग के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समीप आने के कई कारण। अब देखो मुस्लिम लीग ना ऐसे कैसे कांग्रेस के पास आ गया, इसके भी कई सारे रीजंस थे, ऐसा नहीं था कि मुस्लिम लीग अचानक से उठा और अचानक से आ गया। देखो भारत पाकिस्तान के बीच में हमेशा टेररिज्म होता है, पाकिस्तान के थ्रू बहुत सारे आतंकवाद आते हैं हमारे भारत के अंदर में, नॉर्मल है, सबको पता है, पाकिस्तान भी जानता है और हम भी जानते हैं बहुत अच्छे से। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर इसको मानने से डिनाई कर देते हैं। अगर आप कश्मीर के अभी कुछ दिन, 2-4 दिन पहले के बयान देखोगे ना जो वहाँ के लीडर्स हैं,
फारूक अब्दुल्ला हो गए या कोई और हो गया, तो उनके बयान को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो डिनाई करते हो, कि आंख बंद करके रख रहे, यार पाकिस्तान गलती करेगा, यार मान ही नहीं सकता, पाकिस्तान तो हमारा सुधरा हुआ लड़का है, जो गलती करता है वो इंडिया करता है, इस तरह की उनकी आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, अगर अचानक से आपको ये सुनने के लिए आए कि पाकिस्तान भारत के लेकर बहुत अच्छा अच्छा बोल रहा है, एकदम अच्छे अच्छे फूल बरसा रहा है उधर से, ठीक है, गोली के बजाय फूल बरसा रहा है, तो आप सोचोगे ना कि यार इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो सेम चीज यहाँ पे आता है कि मुस्लिम लीग राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ में कैसे समीप आ गए, उसके रीजन क्या थे, कारण क्या थे, तो उसके कई सारे रीजन थे। सबसे पहला रीजन क्या था, 1912-1913 के अंदर में बालकान युद्ध हुआ था, बालकान युद्ध में ब्रिटिश ने तुर्की की सहायता करने से इनकार कर दिया था, ठीक है, जो खलीफा आंदोलन के तौर पर आप जानते हो बालकान युद्ध, ठीक है, तो उसमें ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता करने से इनकार कर दिया। इस युद्ध के कारण से यूरोप में तुर्की की शक्ति छीन हो गई, जो तुर्की था वो एक तरह से खत्म हो गया। इस समय तुर्की का जो शासक का दावा था कि वो सभी मुसलमान का खलीफा है, जो तुर्की का शासक था ना वो अपने आप को सुपीरियर मान रहा था कि जितने भी मोमडन है ना, जितने भी मुसलमान है इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, उनका मैं खलीफा के तौर पर आई एम द सुपीरियर वन, ऐसा करके मानना था। सभी जो भारतीय मुसलमान थे वो तुर्की से सहानुभूति भी रखते थे, ठीक है, मुस्लिमों के अंदर में ये चीज सबसे अच्छी चीज होती है, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, बट नॉर्मली सबसे अच्छी चीज होती है कि आपस में एक दूसरे में भाईचारा बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, आपस में एक मेल मिलाप अच्छा रहता है। अगर उसको ये मैटर नहीं करता, जैसे किसी की लड़ाई हुआ आपस में, तो उसको ये मैटर नहीं करता कि ये क्या है क्या नहीं है, उसको ये मैटर करता है कि सबसे पहले हमारा भाई जाता है, इसको हमें देखना है, बाद में चीजें हम देख लेंगे, आपस में निपटा लेंगे। बट अगर आप वहीं पे किसी और रिलीजन की बात करोगे ना, हिंदू स्पेशली आप लेके चलो, तो उसके अंदर में ये नहीं है, मेरे अंदर में ये चीजें नहीं है, अगर वो लड़ रहा है यार मेरा नहीं है मैं क्यों लड़ू, अगर मैं राजपूत हूँ तो राजपूत भी लड़ रहा है तो भी मैं उसके अंदर में इन्वॉल्व नहीं करने जा रहा, ठीक है। तो हमारे अंदर में ये चीजें हैं जो कमियां आज के समय में अगर आप देखोगे सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कमियां और कहीं पे प्लस पॉइंट आपको दिखने के लिए मिल जाता है। तो मुसलमानों जो थे, भारतीय मुसलमान थे, उनके प्रति भी, उनके अंदर में भी कहीं ना कहीं सहानुभूति था तुर्की के साथ में, पर ब्रिटेन ने तुर्की का साथ देने से मना कर दिया कि भैया मैं बालकान युद्ध के अंदर में तुर्की का साथ नहीं दूंगा, जिसके कारण से तुर्की की जो शक्ति होती है यूरोप के अंदर में छीण हो जाती है, पूरी खत्म हो जाती है, और वो अपने आप को एक खलीफा के तौर पर प्रेजेंट कर रहा था कि आई एम द खलीफा, आई एम द सुपीरियर फॉर ऑल ओवर मोमडंस, ऐसा करके वो प्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो एक ये भी रीजन होता है। अब इसके कारण से भारतीय जो मुसलमान थे ना, वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि भारत के लोग भी मेरा साथ दे, ठीक है। तो ब्रिटेन द्वारा युद्ध में तुर्की का सहयोग नहीं दिए जाने से भारतीय जो मुसलमान थे वो कहीं ना कहीं गुस्सा हो गए, रूस्ट हो गए ब्रिटिश सरकार से। इसका परिणाम क्या आता है कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के सहयोग करने का निश्चय करता है और कहता है कि भैया मैं मुस्लिम जो लीग है ना वो कांग्रेस के साथ मिलकर आपसे बदला लेगा, इस तरह का आंदोलन छेड़ देता है। ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा होता है, जो भारत ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय कांग्रेस चला रही थी, और उसके अंदर में वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं। पार्टिसिपेट करने का ऐसा कोई मोटिव नहीं होता कि हमें देश की आजादी दिलानी है, ठीक है, हमें अपने अधिकारों की मांग करनी है, अंग्रेज हमें गुलाम बना रखे हैं, हमें उससे लड़ना है, ऐसा कुछ मोटिव नहीं था भाई। उनका सिंपल सा मोटिव ये था कि तुर्की का उन्होंने साथ नहीं दिया, हम इसके खिलाफ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें रहती है। ब्रिटिश सरकार द्वारा अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना करने एवं उसके सरकारी सहायता देने से इनकार करने पर शिक्षित मुसलमान रूस्ट हो गए। यहाँ पे पहला कारण तो ये मैंने बताया, दूसरा कारण यहाँ पे ये देखा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो AMU जो कहते हैं आज के समय में जो स्थित है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब उसको ना सहायता, सरकारी जो सहायता होता है ना, अनुदान, सरकारी अनुदान, वो देने से इनकार कर दिया गया कि मैं इसमें नहीं देने वाला। तो जिसके कारण से जो पढ़े लिखे मुस्लिम थे ना वो बड़े नाराज हो गए, भैया कैसे कैसे नहीं दोगे। तो एक दूसरा रीजन ये भी रहता है कि हम उसके खिलाफ जाएंगे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल के विभाजन को रद्द करने से उन मुसलमानों को घोर निराशा हुई। देखो पहले बंगाल का विभाजन 1905 में होना था, पर विभाजन को रद्द कर दिया गया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार के कुछ और इरादे थे, बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहता था। इसके कारण से यहाँ पे ना ये इस तरह के समर्थक स्टार्ट हुए, जिसके बाद बंग भंग 1905-6 के अंदर में बंग भंग किया जाता है, जहां पे बंगाल का विभाजन किया जाता है। तो तीसरा रीजन ये रहता है। चौथा रीजन आप देखोगे तो मुस्लिम लीग के अंदर में तरुण समर्थक धीरे धीरे सशक्त राष्ट्रवादी की ओर उन्मुख हो रहे थे। जो मुस्लिम लीग के समर्थक थे ना वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित हो रहे थे, जिसके काम से भी समर्थन किया गया। उन्होंने अलीगढ़ स्कूल के सिद्धांत को उभारने का प्रयत्न किया। जो स्कूल का सिद्धांत था ना अलीगढ़ का स्कूल का, उसको अलग अलग जगह पे मतलब एक तरह से प्रमोट करने के लिए भी आगे बढ़ कर आते हैं। 1912 में लीग का अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जो मुस्लिम लीग है उसका अधिवेशन कलकत्ता में रखा जाता है, और इसमें कांग्रेस एवं लीग के दोनों सदस्य स्वशासन की मांग समान उठाई जाती है, और आपस आस पास में मतलब अपने उन्होंने आपस में सहायता करने की मांग कर लेते हैं, पास आने की सहायता मिलती है, ठीक है, दोनों को एक दूसरे को, और ये तय कर लेते हैं कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में कि हम स्वशासन की मांग करेंगे, दोनों पार्टियों का एक मत होकर एक मांग रहेगा, ये यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में सरकार के दमनकारी नीतियों एवं जो युवा मुसलमान थे भय वातावरण से व्यक्त हो रखा था ये देखा जाता है। जिसके बाद जो जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे उनको पत्र लिखा जाता है, अल हिलाल करके वहां पे लिखते हैं, और मोहम्मद अली पत्र कामरेड को सरकारी दमन का सामना करना पड़ता है। जैसे देखो जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान में जो सरकार की दमनकारी नीतियां थी उसका कहीं ना कहीं मुस्लिम युवाओं के ऊपर में भय और वातावरण के अंदर में अलग अलग तरह का इम्पैक्ट देखा जाता है। मतलब इन्वायरमेंट के अंदर में भय का माहौल था। आज भी आप ये वर्ड बड़े बड़े भारी भारी में सुनते होंगे कि मुसलमान सेफ नहीं है भय के माहौल में, तो इस तरह का उस समय माहौल था। जिसके बाद क्या होता है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो एक पत्र लिखते हैं जिसका नाम होता है अल हिलाल करके, वो पत्र लिखते हैं मोहम्मद अली को, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को पत्र लिखते हैं अल हिलाल, ठीक है। उसमें पत्र में लिखते हैं कामरेड, कामरेड मतलब जो आज के समय में उग्रवादी होते हैं ना, जो इधर छत्तीसगढ़ बाकी जगह पे घूमते कामरेड कामरेड कहते हैं, ठीक है, लाल सलाम ऐसा वाला, तो कामरेड करके लिखते हैं, जिसमें सरकारी दमन का मतलब कामरेड उनको माना जाता है कि भैया ये लाल सलाम वाले बंदे हैं, ठीक है, कामरेड वाले बंदे हैं, तो उसके खिलाफ सरकारी दमन करना पड़ता है और वहां पे अब्दुल कलाम आजाद के खिलाफ सरकारी दमन का सामना करना पड़ता है, सरकार उसके खिलाफ एक्शन भी लेती है, ठीक है, समझ में आता है। दूसरी ओर अली बंधु जो थे ना, अली ब्रदर्स, उन्होंने क्या करते हैं मौलाना आजाद और हसरत मोहिनी को नजरबंद कर दिया जाता है। मतलब जो वो जो सरकारी सरकारी जो दमन होता है ना, यहाँ पे सरकारी दमन का सामना करना पड़ा, सरकारी दमन में क्या किया जाता है, एक तरह से नजरबंद का सजा दिया जाता है, जिसमें अली ब्रदर्स को, मौलाना आजाद को और हजरत मोहानी को यहाँ पे नजरबंद कर दिया जाता है तीनों को, ठीक है। सरकार इन नीतियों से युवाओं के में विशेषकर जो लीग के सदस्य थे वहां पे समाज विरोधी भावना कृत जागृत हो गई थी लोगों के अंदर में, जो लीग के सदस्य थे उसके अंदर में मुसलमान युवा सदस्य के अंदर में सरकार की नीतियों के खिलाफ में एक तरह से भावना आ गई थी, उसको लेकर यहाँ पे उपनिवेशिक सरकार मूल समूल नष्ट करने का अवसर तलाश करने लग जाती है कि किस तरीके से ना लीग के अंदर में से जो हमारे प्रति भावना है ना कि भैया हम तो गलत कर रहे हैं इसको कैसे खत्म किया जाए, इसके ऊपर ये वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, समझ में आता है। धीरे धीरे जैसे जो भी इनकी एक्टिविटी थी वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रही थी लोगों को, ये यहाँ पे देखा जाता है। आगे मैं बात करता हूँ लखनऊ समझौते और उसके मुख्य बातें के बारे में। तो लखनऊ समझौते की मुख्य बातें क्या थी, तो लखनऊ मुस्लिम लीग ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भांति देश के उत्तरदायित्व को स्वराज्य देने की मांग को स्वीकार किया कि भैया हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मोटिव है ना कि हमारे देश को स्वराज्य मिले, स्व मतलब अपना, राज मतलब रेगुलेशन, हमारा रेगुलेशन हो, सेल्फ रेगुलेशन हो, इसके बारे में जब कांग्रेस बात कर रही है, मुस्लिम लीग ने बोला भाई हमारा भी यही मोटिव है, हमें भी यही चाहिए, ठीक है। दोनों दलों ने ब्रिटिश सरकार से स्वराज की मांग करी कि भैया हमारी भी सेम मांग है, हमें भी यही दे दे, ठीक है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार किया, ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस जो था ये एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो ठीक है, मुसलमानों का अलग निर्वाचन व्यवस्था हो, हमारा अलग निर्वाचन व्यवस्था हो, अलग तरह से इलेक्शन हो सके, ठीक है, अलग तरह से वोटिंग हो सके, तो इसके लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, एक में ना सम्मिलित ना हो, इसके लिए भी यहाँ पे मांग को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आगे आता है ब्रिटिश सरकार एवं हिंदू मुसलमानों के अंदर में फूट डालने की नीति स्टार्ट हो जाती है कि फूट डालो शासन करो की नीति लेकर आ जाती है, जिसमें 1909 के अंदर में एक्ट को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। एक तरह से ना जो ये था ना कि अलग हमें निर्वाचन व्यवस्था हो, ठीक है, जिसके अंदर में हम किसी जगह से लड़ रहे तो प्रॉपर निर्वाचन क्षेत्र, अगर मुस्लिम बहुल इलाका हो तो मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़ा हो, इस तरह का ना अलग अधिकार मांगा उन्होंने और ब्रिटिश सरकार उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है, जिसके कारण से आप ये कह सकते हो कि हिंदू मुसलमान के अंदर में यहाँ पे फूट आ जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है, ऐसा नहीं था कि मुसलमान चाहते थे या हिंदू चाहता था, यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन क्या रहता है कि ब्रिटिश सरकार उस समय रूल इस पे वर्क कर रही थी, इस रूल पे वर्क कर रही थी कि फूट डालो शासन करो की नीति के थ्रू ही हम राज कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे शासन नहीं कर सकते, अगर दोनों मिल जाएंगे तो हम यहाँ पे शासन खत्म हो जाएगा, तो ये चीजें थी इस आइडियोलॉजी के बाद से यहाँ पे ये चीजें देखी जाती है। आज भी अगर आप देखोगे ना भारत और पाकिस्तान दो ग्रुप है, अगर दोनों देश एक होते ना आज के समय में तो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री के तौर पे भारत और पाकिस्तान का होता, ठीक है। जितना खर्चा दोनों देश अपनी सुरक्षा पे लगाते ना, अगर दोनों देश अपनी डेवलपमेंट पे लगाते, विकास पे लगाते, तो आज अमेरिका और चीन जैसे देश कुछ नहीं होते हमारे सामने। आज हम चीन के ऊपर निर्भर हैं कि चीन से सामान आएगा, दिवाली के अंदर में 90% आपके घर का सामान चीन से आता है, ठीक है, बाहर से आता है। आप जो भी चीज यूज कर रहे हो, मैं यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप हो गया, राइटिंग पैड हो गया, या जो भी चीज है, सारे बाहर के विदेशी कंपनियों का यूज करें, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट है आज के समय में। अगर दोनों देश सही तरीके से वर्क करें, सही तरीके से चले, तो आगे हम बढ़ सकते हैं। बट हम दूसरे, अब दूसरा हमारे ना लड़ाई के बीच में दूसरा अपना मतलब बना रहा है, कुछ नहीं। आगे मैं बात करूं इसके मुख्य समझौतों के बारे में, तो केंद्रीय विधायिका के कुछ निर्वाचित सदस्य की मांग की गई, जिसके अंदर में देश का 1.9
भाग मुस्लिम को दे दिया गया कि भी अगर विधायक उसमें चुना जाएगा ना तो इतना प्रतिशत भाग मुस्लिमों के अंदर में रहना चाहिए, तो इस तरह से चीजें भी की गई जिसका निर्वाचन सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के द्वारा स्वीकार किया गया, जो हमारे लिए मतलब अगर देखोगे ना तो कांग्रेस ने उस समय स्वीकार तो कर लिया बट आगे चल के कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम बन जाती है, बट कांग्रेस ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है, बाद में उसको समझ में आता है। लखनऊ समझौते का महत्व क्या था इसके अगर आप देखोगे तो भारतीय इतिहास में लखनऊ समझौते एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। इसका रीजन था कि यह समझौता हिंदू मुस्लिम जनता में एकता को स्थापित करने का कार्य करता है और महत्वपूर्ण कदम रहता है। इस समझौते से हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता स्थापित होती है। इस समझौते से कांग्रेस से दूर रहने वाली मुस्लिम लीग नजदीक आ जाती है। दोनों दलों में कई वर्षों तक राजनीतिक एकता बनी रहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपने अधिवेशन के अंदर में एक ही प्रस्ताव पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि अलग अलग चुनाव मंडलों के आधार पर राजनीतिक सुधार की सांझी योजना ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी जाती है कि इस तरीके से चीजें होनी चाहिए और दोनों पार्टी एक मत रहकर वहां पे आगे प्रस्ताव पेश करते हैं। ठीक है, मांग की सरकार भारत सरकार स्वशासन को यथास्थित घोषित करे, यहाँ पे भारत के ऊपर में जो सरकार है वो स्वशासन को घोषित करे, ये मांग रखी गई। लखनऊ समझौते का एक नकारात्मक भी पहलू देखा जाता है कि धर्म के आधार पर पृथक पृथक निर्वाचन मंडलों की मांग मान लेना। यहाँ पे जो मुस्लिम लीग के द्वारा पॉइंट उठाया गया कि निर्वाचन मंडल जो है ना अलग अलग करके देना चाहिए कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है तो ये वाला मुस्लिमों के लिए रहेगा, यहाँ पे मुस्लिम ही खड़े होंगे, ये हिंदू वाला तो यहाँ पे हिंदू ही रहेंगे, तो इस तरह का जो निर्वाचन मंडल था ना वो कहीं ना कहीं गलत मांग था, ये इसका नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। निसंदेह आगे चल के सांप्रदायिकता को बल मिलता है, सांप्रदायिकता बढ़ने लगती है। राष्ट्रीय आंदोलन में कई बार सांप्रदायिकता दंगे भी देखे जाते हैं हिंदू मुसलमान के, और सांप्रदायिकता का जो अंत होता है वो 14 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के साथ में हो जाता है। बट ये सिर्फ कहने मात्र की बातें हैं कि 14 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के साथ में सांप्रदायिकता का अंत हो गया, यहाँ पे अंत नहीं होता। आज भी भारत के अंदर में कई बार सांप्रदायिकता है, बट पहले से काफी अच्छा माहौल के अंदर में हम आज के समय में रह रहे हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 9 है आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, बट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी व्यूअर से कि हमारे चैनल द इनअप को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे बढ़ पाते हैं और अच्छे से मेहनत कर पाते हैं, आपके लिए अच्छी वीडियो बना पाते हैं। अगर आपके लिए कहीं भी वैल्यूबल लगता है ना वीडियो आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ये वैल्यूबल था, ठीक है, आपके लिए वर्दित था, तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हमारा जो फैमिली है इनअप का 60,000 का पहुंच चुका है, आप उसको 1,00,000 तक पहुंचाइए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम भी आगे बढ़ सके और हमें मोटिवेशन मिले। और यहाँ पे मैं ऐड एक करूंगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए, इसका जो नोट्स है आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट गूगल ब्लॉगर से जाके ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में गूगल ब्लॉगर का लिंक है, वहां से डायरेक्ट क्लिक कीजिए, गूगल ब्लॉगर पे जाइए, वहां से आप जाके गूगल ब्लॉगर का लिंक ले सकते हैं। वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां पे जाना है, जो भी सब्जेक्ट MHI 9 है तो MHI 9 को सिलेक्ट करना है। MHI 9 को सिलेक्ट करने के बाद में आपको वहां पे नोट्स MHI 9 के जो भी चैप्टर्स में करवा चुका हूं अभी कुछ दिनों के अंदर में उसके नोट्स मिलते चले जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वीडियो एंड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।